नहीं, देखिए आज इलाज इतना महंगा हो चुका है कि हर आदमी को अस्पताल में जाकर इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो इलाज, दूसरा जो है कानून, कोर्ट कचहरी। आज वकीलों को फीस एक एक तारीख पे, अच्छे वकीलों के फीस 2-2 लाख रुपया है। केस चले नहीं चले, नाम पुकारा गया, 2 लाख दे दो आप, यही हालत है। डॉक्टरों के पास जाओ, इतनी फीस लगती है कि आदमी दे नहीं सकता, बेचारे मर जाते हैं बिना पैसे के। ऐसे में जो समाज के वो लोग हैं जो बेचारे इतने, उनकी हैसियत नहीं है कि वो अच्छा इलाज करा सकें, ऐसे लोग इंतज़ार में रहते हैं कि भाई कहीं हमें फ्री में कुछ इलाज हो तो हम उसमें करें। और देखिए कितने काफ़ी लोग आते हैं, और हमारी अफसोस है कि वो कौम जो हुकूमत करने के लिए बनी थी, जिसने 800 साल तक इस मुल्क को हुकूमत किया, आज इस मुल्क के अंदर उसके साथ सही तरीके से कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अगर लोग मिल करके उसको एजुकेशन में मदद करें, उसको इलाज के लिए मदद करें, उसको नौकरी दिलाने में मदद करें, तो मैं समझता हूँ कि कौम का बेड़ा पार हो सकता है। और ये यूनानी जो है फाउंडेशन माशाल्लाह काम कर रही है, तो मैं इसका बहुत फ़ायदा होगा, मैं इसलिए इनको आया आज मुबारकबाद देने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल, अब 100% पहुँच पाती है, बिल्कुल पहुँच ही रही है। आप नहीं देख रहे हैं कि हर कैबिन यहाँ बनी हुई है, कैबिन में लोग इलाज करवा रहे हैं, तो पहुँचती है, बिल्कुल पहुँचती है। और सारे लोगों को उसमें बिल्कुल जितनी हैसियत उस हिसाब से मदद करना चाहिए। चल रही तैयारी, हम लोग चुनाव की तैयारी क्या, हम साल भर काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, लोग काम देख के वोट देंगे हमें, हमें उम्मीद है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो हम लोग जो है कुछ तैयारी शुरू कर दें, इलेक्शन खत्म हो जाए तैयारी बंद कर दें, ये तैयारी हमारी 365 दिन रहती है। नहीं, इस चुनाव में खास ये है कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। पिछला जो चुनाव हुआ है पूरे देश में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में 90 करोड़ वोटिंग हुई थी, 90 करोड़ वोटर थे, 60 ही करोड़ वोटिंग हुई, और 60 करोड़ में सिर्फ 22.5 करोड़ मिला बीजेपी को वोट, बाकी वोट जो 38 करोड़ है ना वो बिखर गया। उस बिखरने से इस छोटे से आदमी का दिमाग ख़राब हो गया, ये एक छोटी हंडी में उबाल आ गया। आने के बाद इसने कोई इकोनॉमिक काम नहीं, कोई तरक्की का काम नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये कर रहा है। तो ऐसे में हम सबको अपनी अना को मार करके, अपने वोट को इकट्ठा करके, हिंदू भाइयों के साथ मेल मिलाप करके, वोटों को बटोर करके, इस देश के संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेकुलर वोटों को इकट्ठा करना चाहिए, ये मेरा पैगाम। चलो।